दोस्तों आज की कहानी है समधन जी। बेटे बहू के घर में अपनापन मिलता तो बेटी के घर क्यों रहती। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे संध्या, तुम्हारी शादी की सालगिरह आ रही है और तुम्हारी सास अभी तक बेटी के घर पर सब कुछ ठीक तो है। इतने शुभ मौके पर अपनों का आशीर्वाद जरूरी है। जिनके आशीर्वाद से तुम्हारे और दामाद जी का रिश्ता बना उनकी तो कोई खुश खबर ही नहीं मिलती। नर्मदा जी अपनी बेटी संध्या से कहती हैं। संध्या बोली, अब क्या बताऊँ माँ, उन्हें तो बेटी का घर ही अच्छा लगता है। यहाँ रहती कहाँ है, साल भर पहले बाबू का देहांत हुआ, उसके बाद बड़ी मुश्किल से 6 महीने यहाँ रुकी। उसके बाद आए दिन वहाँ चली जाती थी, अब तो कितने दिन हो गए आने का नाम ही नहीं लेती। मुझे क्या है, जहाँ उनकी इच्छा हो रही वहीं रहे। नर्मदा जी बोली, तुम दोनों सास बहू के सबक तो ठीक है, मुझे तो बहू का सुख मिलता नहीं क्योंकि तुम्हारा भाई विदेश में रहता। अब अपना सुख देखूंगी तो बेटे को तकलीफ हो जाएगी, इसलिए तुम्हारी भाभी को विदेश में रहना पड़ता है। साल में एक बार आ जाती है, सबका मिलना हो जाता है, तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। संध्या बोली, माँ आप मेरी सास की बात सुनो, आप ये बताओ आप तो आ रही हैं क्योंकि आपके बिना तो ये उत्सव होगा नहीं। नर्मदा जी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं आऊँगी, तुम ऐसा करो अपनी सास का नंबर दे दो, मुझे हाल साल पूछ लूँगी। कम से कम ये तो नहीं कहेगी कि बेटी की माँ कभी हाल साल भी नहीं पूछती। संध्या बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको ननन का नंबर दे देती हूँ। अगले दिन शाम में जब नर्मदा जी खाली बैठी थी तो उन्होंने संध्या की ननन नीलम को फोन लगाया। नीलम ने कहा, कैसी हैं आप आंटी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। माँ आपसे बात करेगी तो बहुत खुश होगी, लीजिए बात कीजिए। फिर नीलम ने फोन अपनी माँ कौशल्या जी को दिया। नर्मदा जी बोली, अरे समधन जी आप तो हमें भूल ही गई, मानती हूँ हर माँ के लिए बेटी बहुत प्यारी होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बेटे बहू को छोड़ ही दे। अरे बड़े बुजुर्गों की देखरेख में परिवार बढ़ता तो परंपरा और पुरानी चीजें खत्म नहीं होती, और कितने दिन हो गए आपको वहाँ गए, वे कब आएगी। कौशल्या जी बोले, बड़े भाग्य वाले होते हैं वह माँ बाप जिन्हें बेटे बहू का सुख मिलता है। माता पिता के साथ रहने से घर में बेटे बहू का रिश्ता बिखरने लगे तो इससे बड़ा दुख और पाप बूढ़ी माँ के लिए क्या हो सकता है। नर्मदा जी थोड़ी हैरान हुई, फिर बोली, क्यों, क्या संध्या और दामाद जी से कुछ कहा सुनी हो गई, क्योंकि आप बहुत दिनों से वहाँ हैं और बेटी के घर माँ बाप को इतने दिन रहना तो नहीं चाहिए। यही सोच कर मैं भी कभी संध्या के घर 1-2 दिन से ज़्यादा रुकती नहीं हूँ और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। कौशल्या जी बोली, बहन जी आपने हाल साल पूछा, बड़ी खुशी हुई। बेटी दामाद के घर कौन सी माँ खुशी से रहती है, अपने ही घर में अगर बेटे बहू से अपनापन ना मिले तो बेसारी बेटी की माँ कहाँ जाएगी, क्योंकि समाज में फिर अपने ही बच्चों की जग हसाई हो जाएगी। नर्मदा जी बोली, मेरे भी बेटे बहू हैं, मैं ये कभी नहीं सहूंगी कि मेरी बेटी की वजह से किसी माँ को अपने बेटे से अलग होना पड़े या बुढ़ापे में कोई कष्ट हो। आखिर बात क्या है बताइए तो सही, समधन न समझ कर एक सखी समझ कर ही बता दीजिए। कौशल्या जी बोली, नहीं नहीं ये पाप मुझसे नहीं होगा, आपके मन में आपकी बेटी की जो सुंदर सभी हैं उसे मैं उसे खराब नहीं करना चाहती, बस ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उसे सद्बुद्धि में दे ताकि उसके बच्चे उसके साथ वह ना करे जो उन लोगों ने मेरे
साथ किया। नर्मदा जी समझ गए कि कुछ तो बहुत अनर्थ हुआ, जिसके कारण कौशल्या जी इतनी दुखी हैं कि अपने ही बेटे के घर नहीं जाना चाहती। करीब एक हफ्ते बाद नर्मदा जी ने ये सारी बात अपने पति मनोर बाबू को बताई। मनोर बाबू बोले, ये तो बहुत गलत बात है, जिस माँ ने विश्वास के साथ पाल पोस कर बेटे को इतना बड़ा किया, बुढ़ापे में आज उस माँ को बेटी दामान के साथ रहना पड़ रहा है। ये तो तभी हुआ होगा जब बेटे बहू से उन्हें अपनापन नहीं मिला होगा। तुम्हें संध्या से बात करनी चाहिए, ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। 2 दिन बाद नर्मदा जी ने संध्या को फोन किया और खुलकर उससे सारी बातें पूछी। संध्या पहले डाल मटोल करती रही, पर माँ से कैसे सिपा पाएगी। संध्या ने कहा, माँ नौकरों के हाथों का वो नहीं खाती थी, खुद बनाना चाहती थी और पूरी रसोई में गंदी कर देती थी। बुढ़ापे में सीढ़ियाँ सड़ी नहीं जाती तो नीचे का कमरा हमें उन्हें दिया, जिसके कारण कोई भी गेस्ट आता तो उसके सामने वह सली आती थी। हमें बड़ी शर्मिंदगी होती थी। नर्मदा जी बोली, तुम सीधे मुद्दे पर आओ कि तुमने आखिर उनके साथ कैसा व्यवहार किया था या क्या कहा आखिर तुमने उन्हें। संध्या बोली, माँ एक दिन मेरी सहेलियाँ आई थी और मेरी सास की वजह से मेरा बहुत मजाक बना, तो मैंने उन्हें कह दिया कि पीछे सर्वेड रूम खाली है, कोई रहता नहीं तो आप उसमें रह लीजिए। ये बात उनकी बेटी को पता चली और वो आकर उन्हें ले गई। मैंने उन्हें जाने नहीं कहा। नर्मदा जी बोली, तुमने उन्हें रोका भी तो नहीं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी बेटी की वजह से एक माँ अपने परिवार से दूर हो। सो तुम्हारे भाई और भाभी अगर मुझे नौकरों की तरह विदेश में रखते तो तुम्हें कैसा लगता। बेटा अपनी माँ का दर्द हर बेटी को देखता है, पर वही सास के साथ बुरा व्यवहार करती है, तब क्या उसे एहसास नहीं होता कि वह भी किसी ना किसी के साथ गलत कर रही है। तुम्हारे बच्चे भी ये देख रहे होंगे। सो तुम भी कल को सास बनोगी, बहू लाओगी और दामाद भी, तो सोचो तुम्हारी स्थिति कैसी होगी। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है तो जाकर अपनी सास से माफ़ी मांगो और उन्हें इज्जत के साथ अपने घर लेकर आओ, वरना तुम्हारे साल गिरह में मैं और तुम्हारे पापा भी नहीं आएंगे। उस दिन संध्या का मूड बहुत खराब था। शाम में जब उसके पति आलोक आए, उसने सारी बात बताई कि मेरी माँ तो आपकी माँ का हाल साल पूछने के लिए फोन की होगी और आपकी माँ मेरी शिकायत लेकर बैठ गई होगी। बताओ अब आपकी माँ की वजह से मेरी माँ भी सालगिरह में नहीं आएगी। आलोक बोले, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुमने माँ के साथ बुरा व्यवहार किया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे सामने बार बार मेरी माँ के साथ अनुचित व्यवहार हो, इसलिए मैंने उन्हें रोका भी नहीं। अब यहाँ जो अपनापन नहीं मिलता था वह वहाँ मिल रहा। जब अपने ही घर में लोग पराया कर दे तो कर भी क्या सकते, फिर भी मैं माँ से बात करूँगा। संध्या को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उसने कौशल्या जी के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया। जब आलोक ने माँ को फोन किया तो माँ ने बेटे को आशीर्वाद दिया। कौशल्या जी बोली, तुम्हारी सास का फोन आया था बेटा, पर ईश्वर गवाह है मैंने तुम लोगों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। आलोक बोला, मैं जानता हूँ मैं अभागा तो मैं हूँ जो मैं आपका ख्याल नहीं रख सका। दिखावे की खुशियाँ खरीदने के लिए पैसा तो बहुत कमा लिया, पर माँ की ममता से वंचित तो हो गया। संध्या ने आलोक से फोन लिया और सास को बोली, मम्मी जी मैं अपने पुराने व्यवहार के लिए बहुत दुखी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती मैंने की थी। फिर आप सजा अपने बेटे और पोता पोती को क्यों दे रही है, अपने आशीर्वाद से ही नहीं वंचित मत कीजिए। देखिए अगले महीने हमारी सालगिरह आ रही है, क्या आप हमें आशीर्वाद देने नहीं आएगी। कौशल्या जी बोली, माँ का आशीर्वाद हमें हमेशा बच्चों के साथ रहता है और मेरा पोता पोती को ईश्वर लंबी आयु और सद्बुद्धि दे कि वह अपने बड़ों की इज्जत करना सीखे
और फिर मैं उन्हें क्या दे सकती हूँ। बहुत साल गिरह पर मैं आऊँगी और आशीर्वाद दूंगी। बस वहाँ रह नहीं सकती, जिस घर में तुम्हारे ससुर जी ने मुझे सम्मान के साथ रखा उसी घर में मेरा अपमान हुआ। बेटी के घर में अपनापन मिलता है, मैं वहीं रहूंगी। अब ये समाज शायद जो भी कहे पर अपने सम्मान को बार बार दांव पर नहीं लगाऊंगी। जब नर्मदा जी को पता चला कि कौशल्या जी आ रही हैं तो कुछ रोज बाद वह भी सालगिरह पर बेटी दामान को आशीर्वाद देने आई। कौशल्या जी बेटी के साथ आई, दो दिन रुकी और फिर जाने लगी। तो बेटे बहू ने रुकने का बहुत आग्रह किया तो कौशल्या जी बोली, अगर मैं यहाँ रुक गई तो खुद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी, कभी आईने में खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगी। वक्त मिले तो तुम लोग मिलने आना और मैं भी आती रहूंगी। इतना कहकर कौशल्या जी बेटी दामान के साथ चली गई। दोस्तों, भरपेट भोजन मिले या ना मिले, इंसान अपने सम्मान के लिए आखिरी समय तक जीता है और मरता है वह हमेशा चाहता है कि दो रोटी कम मिले और सम्मान से मिले। जीवन पर जिसने अपनों को अपना समय दिया, आखिरी वक्त में अगर उन्हें अपना पर ना मिले, इंसान बेटे बहू के घर को छोड़कर बेटी दामान के साथ ही रहे तो क्या गर?